आज के स्किन बॉडी व्हाइटनिंग पैक से आप अपनी बॉडी के उन सभी हिस्सों को फेयर बना सकते हैं जो कि ब्लैक हो चुके हैं ज्यादा सन में जाने से, हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से, केयर ना करने की वजह से, या फिर चाहे कोई भी रीजन रहा है। ये स्किन बॉडी व्हाइटनिंग पैक आपके सभी बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे से इन्हेंस करेगा, ब्राइट बनाएगा, लाइट बनाएगा, व्हाइट बनाने का काम करेगा। व्हाइट से मेरा मतलब है कि जैसे आपकी बॉडी का कलर है वैसे ही उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। होता क्या है, उम्र के साथ साथ हमारा स्किन कलर दब जाता है, डल हो जाता है, जिसकी वजह से हम उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हैं जितना कि हम पहले करते थे। तो ये बॉडी व्हाइटनिंग पैक आपकी काफी मदद करने वाला है। हाय, मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं सिंपली सी बिल्कुल खास, जहां पे मैं आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें लेके आती हूं और तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो स्किन व्हाइटनिंग पैक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिमाग से यहां पे क्लियर कर दूं कि मैं यहां पे स्किन व्हाइटनिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूं। बहुत सारी लड़कियों की चाहत होती है कि जो उनका स्किन कलर दब चुका है वो उसको इन्हेंस कर पाए, हल्का सा उसको निखार पाए, ठीक है ना। तो ये पैक आपकी मदद करेगा और इस पैक को बनाने के लिए आपका जो फर्स्ट पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है पोटैटो, क्योंकि जितनी भी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है उनमें लगभग आपको पोटैटो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो होती है। एक मीडियम साइज का आपको पोटैटो लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद आपको इसे ग्रेट करना है। हमें यहाँ पे आलू का जूस चाहिए, ओके। तो अच्छे से ग्रेट कर लेना है, कम से कम हमें यहाँ पे 4 बड़े चम्मच आलू का जूस जरूर चाहिए ताकि हम इसके साथ अपना एक अच्छा सा प्यारा सा पैक बना सके। आपको इसके अंदर कोई पानी, कोई रोज वाटर नहीं डालना है, आलू जूस के साथ ही आपको पैक आपका मिक्स करना है। अब आप देख लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पैक बनाना चाहते हैं, अपनी पूरी बॉडी पर लगाना चाहते हैं, तो आपको एक पूरा बड़े साइज का पोटैटो लगेगा। अगर आप मेरी तरह सिर्फ अपने फेस के लिए या फिर हाथों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आपका हाफ पोटैटो के अंदर भी काम चल जाएगा। हमारा जूस हमें यहाँ पे मिल चुका है लगभग 4 बड़े चम्मच। आप देख सकते हैं इसके नीचे जो ये स्टार्च है ये बिल्कुल अच्छे से आपकी बॉडी को निखारने का काम करेगा, क्योंकि इस स्टार्च के अंदर ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी ब्लैकनेस को धीरे धीरे करके रिमूव करने में आपकी मदद करता है। फिर आपको आपके फ्रिज में से उठा के लेके आना है एक टमाटर। टमाटर आपको क्या करना है, ज़्यादा मेहनत का भरा काम नहीं करना है कि आपको इसे भी ग्रेट करना पड़ेगा। आपको इसके अंदर चाकू के साथ हल्का सा कट लगा लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। फिर आप जैसे लेमन स्क्वीज करते हैं ना, निचोड़ते हैं, वैसे ही आपको इसे इसी जूस के अंदर निचोड़ देना है। लगभग 1 चम्मच के करीब आपका जूस इसका निकल जाएगा। अच्छे से दोनों को मिक्स कर देना है, ओके। उसके बाद आपको लेना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बहुत ही चीप सा इंग्रेडिएंट्स है, मैं खुद इसको 10 रुपए में लेके आई हूँ और ये जो छोटी सी पैकिंग है ये कम से कम 2 से 3 बार आपकी चल जाएगी अगर 10 रुपए में आप लेके आते हैं तो। किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगा, पतंजलि स्टोर पे मिल जाएगा, किराना स्टोर पे मिल जाएगा, इसे लेके आइए। ये आपके जो पार्ट डार्क हो चुके हैं ना, एक तो उनको हेल्दी बनाएगा और आपकी जो डेड सेल्स हैं, जो कि आपकी जो काली पर्द जम चुकी है उसको निकालने में, रिमूव करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप अपने डार्क स्पॉट्स को छुपाना चाहते हैं, मतलब कि कम्प्लीटली हटाना चाहते हैं फेस के ऊपर से, यानी कि पिंपल्स के बहुत सारे दाग आए हैं, तो मिल्क पाउडर आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैंने लगभग यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करना है, बड़ा कमाल कर सकता है मिल्क पाउडर अगर आप इसका यूज करते हैं तो। एक बार ये जो पैक है जरूर 100% आपको एक बार जरूर यूज करके देखना है। नेक्स्ट आपका इंग्रेडिएंट होगा चावल का आटा। सबको पता है कि चावल के अंदर कितनी पावर होती है आपकी स्किन को निखारने में, कितनी ज़्यादा पावर होती है आपकी स्किन को इन्हेंस करने में, कितनी ज़्यादा पावर होती है आपकी स्किन को ग्लोसी बनाने में। तो चावल का आटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चावल का आटा नहीं है तो जो आपका गेहूं का आटा है जिसकी आप चपातियाँ बनाते हो वो भी 1 चम्मच के करीब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो ये पैक है मेरी तरह हल्का सा रनी बन गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा और ऐड करके इसको एक पैक की कंसिस्टेंसी में लेके आना है। तो ये जो हमारा पैक है ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब बताती हूँ कि इसे लगाना कैसे है। क्लीन फेस के ऊपर आप इसे लगाएंगे, नेक के ऊपर, अंडरआर्म्स में, एल्बो पे, हैंड पे, लेग पे, जो भी आपका बॉडी पार्ट्स ब्लैक है वहाँ पे इसे लगाएंगे अच्छे से मसाज करते हुए और इसे कम से कम रखना है 30 मिनट के लिए, ठीक है।
30 मिनट के लिए, जैसे ही आपको लगता है कि आपका जो पैक है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, मतलब सेमी ड्राई हो चुका है या प्रॉपरली तरीके से ड्राई हो चुका है, तो आप उसको हल्का सा धीरे से हाथ के साथ थोड़ा सा गीला करें ताकि आप उसको रब करते हुए निकालें। तो इस पैक को आपको रब करते हुए निकालना है बिल्कुल अच्छे से, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 30 मिनट्स लगेंगे इसको सूखने में, सेमी ड्राई होने में। रब करते हुए निकालना है, रब करते हुए निकालेंगे जो जितनी भी डेड स्किन आपकी है वो सारी निकल जाएगी और अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये पैक ट्राई करना है। बात करते हैं कि आपको इसे वीक में कितनी बार ट्राई करना है। अगर आपका बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके हैं तो आप इसे एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वीक में केवल 3 बार भी इसका यूज अगर आप करते हैं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप इस पैक को अपने बच्चों पर लगा सकते हैं, फेस पे मत लगाइएगा, मतलब उसकी बॉडी पे लगा सकते हैं, हाथ पैर गर्दन जहाँ पे भी आपको ब्लैकनेस नज़र आती है। तो डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स हमने नहीं डाला है जिसका साइड इफेक्ट आपकी स्किन पे हो, सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन फ्रेंडली हैं। हो सके तो एक बार पैच टेस्ट जरूर करके देख लीजिएगा। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक और प्यारी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।